बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर आइरीन और मैं हूँ आइरीन। आज ही बंगाली का न्यू ईयर यानी पहला वैशाख, सो शुभ नववर्ष अपने सबा के। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सिर्फ ट्विंकल बाकी है, वो अभी करेगी। एक्चुअली स्कूल की छुट्टी है तो वो लेट से आज सो के भी उठी है, मैंने भी उसे नहीं जगाया। ऐसे तो स्कूल स्टार्ट होता है तो सुबह 5 बजे उठ जाती है। सो आज ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है कढ़ाई सूटी की कचौड़ी, जो कढ़ाई सूटी यानी ग्रीन पीस होता है उसकी कचौड़ी, और जो व्हाइट चना होता है उसके साथ पनीर डाल के एक सब्जी बनाई है। सो और अभी लंच बनाएंगे, लंच में रखेंगे बंगालियाना खाना। पहले तो सोचे थे कि हम मटन करी बनाएंगे, मटन करी और मतलब पुलाव बनाएंगे, लेकिन फिर सोचा आज पहला वैशाख है, बंगाली का फर्स्ट ईयर का शुरुआत है, तो कुछ बंगालियाना ही खाना बनाए। सो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि प्लेन राइस तो रहेगा ही, और आम वाली दाल जो होती है, मतलब कि अनराइप्ड ग्रीन मैंगो जो होता है, कच्चा आम या कच्ची कैरी बोल सकते हैं, उसको दाल में डाल के एक दाल बनाएंगे। और फिर दही चिकन यानी दही चिकन तो रहेगा ही, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं दही चिकन। और बंगाली का मोस्ट फेवरेट बैगन भाजा तो रहेगा ही, फिश फ्राई है, दही है रहेगा यानी दही, और फिर हम रखेंगे रसगुल्ला। सो हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जी तो खाते हैं, मेरी बेटी कितना खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है वो, अगर ज़्यादा बनाएंगे तो फ्रिज में चला जाता है। सो यही आज की मतलब ये लंच की मेन्यू है। और आज मैं बंगाली अवतार में हूँ, मैंने आज साड़ी पहनी है, कैसी लग रही हो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और मैंने बिंदी भी पहनी है देखिए। तो मैं ज़्यादातर साड़ी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ साड़ी, किसी फंक्शन में या मतलब कि किसी फेस्टिवल में ही साड़ी पहनती हूँ अगर ज़रूरत रही तो, अदरवाइज मैं स्किप करती हूँ साड़ी क्योंकि मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ साड़ी। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग बंगाली न्यू ईयर कैसे मनाते हैं। सो जो भी मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आई होप आज का वीडियो, और जो लोग भी नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए किचन में, आप किचन तो जाना ही पड़ेगा खाना बनाने के लिए। ओके करिए हम लोग। और अभी मैं आ गई हूँ ट्विंकल को ब्रेकफास्ट कराने, वो अभी अभी सो के उठी है, देखिए अभी भी ऐसा लग रहा है वो सो रही है, लेकिन ब्रेकफास्ट कराना भी इम्पोर्टेंट होता है। सो ये है वाइट चना और पनीर डाल के मैंने जो सब्जी बनाई थी वो, और कढ़ाई सूटी की कचौड़ी यानी ग्रीन पीस की कचौड़ी, और ये है बंगाली रसगुल्ला। वो जब तक ब्रेकफास्ट करेगी मैं उसके साथ ही रहूँगी, अदरवाइज़ वो पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं करेगी, बहुत फसी ईटर है। और किचन में मैंने अभी गैस पे चढ़ाया है मसूर की दाल और कच्चा आम को पीस करके काट के दाल और आम एक साथ चढ़ा दिया है हल्दी और नमक के साथ, वो बॉईल हो जाएगा तो मैं उसमें तड़का डालूँगी। बच्चों को हमेशा ऐसा कीजिएगा कि अपने हाथों से ही खिलाने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कि वो अपने बच्चे अपने हाथ से खाए ऐसा कोशिश कीजिएगा। ये देखिए अरहान आ गया है, उसे हमेशा उसकी दीदी चाहिए, सो वो भी चेयर में उठ गया है, चढ़ गया है चेयर में और साइड से प्लेट छीन रहा है। खाएगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन दीदी के पास रहना ज़रूरी है, वो स्कूल भी जाती है तो वो उसको मिस करता है, रूम्स में उसको ढूंढता रहता है। और मैं अभी डालूंगी दाल में तड़का, जिसके लिए मैंने लिया है एक ड्राइड चिली, सूखी लाल मिर्च, और आज खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊंगी।
और मैंने डाला है लहसुन और राई, जो ब्लैक वाली राई है उसी को डालूंगी, और एक ग्रीन चिली भी डालूंगी। थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूंगी दाल। इस दाल को मैंने आम के साथ बॉईल किया है हल्दी और नमक के साथ, और इसे एक बॉईल आने दूंगी। जब भी आप लोग दाल में तड़का डालेंगे तो एक बॉईल ज़रूर आने दीजिएगा, इससे टेस्ट बढ़ता है। तो अभी मैं सेकंड डिश की तैयारी करूंगी, जो दही चिकन है। मैंने चिकन को दही के साथ और अदरक लहसुन और चिली पेस्ट के साथ मैरिनेट करके रखा है, और ये है मस्टर्ड ऑयल जिसमें मैंने थोड़ी सी खड़े मसाले जो है लौंग इलायची और दालचीनी डाला है, और उसके बाद प्याज और अदरक लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट। ये थोड़े से ऑयल छोड़ने लगेंगे तो मैं मैरिनेटेड चिकन जो है दही के साथ उसको डाल दूँगी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है, डिटेल्स में है, अगर आप लोग चाहते हैं तो देख सकते हैं उसमें। ये मैंने टर्मेरिक पाउडर डाला है, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। चिकन के पानी छोड़ने तक मैं इसे थोड़ा सा हिलाती रहूँगी बीच बीच में, अदरवाइज ये नीचे से लग जाएगा। और मैंने जो दही के साथ मैरिनेट किया है वही दही से पानी अभी छोड़ेगा। तो धीरे धीरे पानी छोड़ रहा है, धीरे धीरे मैं इसे चलाती रहूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी टमेटो का पेस्ट, अभी थोड़ा इसे चलाऊंगी। और मेरे घर में आलू वाली चिकन या आलू वाली मटन बहुत खाई जाती है, चिकन या मटन से ज़्यादा आलू और मतलब जो उसकी ग्रेवी है उसकी क्रेविंग ज़्यादा रहती है, हस्बैंड को भी बच्चे को भी। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मीट मसाला, अब आलू के बॉईल होने तक मैं इसे थोड़ा सा कवर कर दूंगी। ये देखिए मेरी चिकन बनके रेडी है, और ये है दाल, और अभी मैं डाइनिंग टेबल में सर्व कर दूंगी। हस्बैंड खाने के बाद ही चले जाएंगे क्योंकि उनके फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है। सो ये है मेरी चिकन, ये है बैगन भाजा, और ये है दाल, ये रसगुल्ला, ये दही, ये फिश फ्राई है, मैंने थोड़े से सैलड्स भी काट दिए थे। मैं करूँगी लंच। जो आम दाल है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बना है, इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसी से ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा चिकन भी ना लूँ, बस खाई जाऊँ इसी से। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग भी मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन शुभ नववर्ष सभी को, शुभ नववर्ष अपने सबाई के, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।